गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लकी हेयर। तो आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने, हमारा प्लान है कुन्नू जाने का। तो पहले हम लगाएंगे नटखट को वैक्सीन और उसके बाद जाएंगे हम कुन्नू। फिर देखते हैं यार ये कैसा पता नहीं चल रहा अभी क्या क्या करेगा ये। नटखट को इंजेक्शन लगाने, तो देखते हैं आज। हम नटखट को इंजेक्शन लगा के आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं घूमने, तो थोड़ा बहुत घूम फिर के आते हैं यार। वैसे भी काफ़ी दिनों से मैं घर पे ही थी तो बोर हो रही थी, कुछ ब्लॉग भी शूट करना था मुझे, कुछ इंटरेस्टिंग बनाना था। कुन्नू एंजल एंड शिप आ गए हैं, नटखट है हमारा यहाँ पे। तो गाइज आपको पता है इसको इंजेक्शन लगाना, तो ये तो नींद में था शायद से ना, तो एकदम से ही हो गया। गाइज अभी हम जा रहे हैं कुन्नू, यहाँ से आगे है, यहाँ से थोड़ा सा आगे है जहाँ पे एक मैरिज में हम आए थे, तो वहाँ हमने जाना है। और मुझे जुकाम भी है, बट शाम हो गई है, मतलब लगभग 3 बज चुके हैं अभी। तो नटखट का इंजेक्शन लग चुका है और अब हम जाएंगे कुन्नू। तो गाइज आपको ये पीछे नज़र आ रहा ना, ये हमारी करसोग वैली है, तो यहाँ से काफ़ी नज़दीक हो रहा है, बहुत ही सुंदर जगह ना, कितनी अच्छी लोकेशन है। तो आइए हमारे करसोग।
एक्चुअली पहुंच चुके हैं अभी मंदिर कुन्नू में। तो कुन्नू में हम ना एक्चुअली मंदिर चल जाएंगे पहले, तो मंदिर जाने के बाद हम जाएंगे जहाँ हेलीपैड है। अभी हम आए हैं जय नाग धमोनी, यहाँ पे ये लिखा है जय नाग धमोनी, तो ये वाले मंदिर आए। तो गाइज यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी लेक है, बहुत ही प्यारी है। तो देखिए यहाँ पे मैं सेकेंड टाइम आई हूँ आज, क्योंकि मैं एक बार अपने कज़न की मैरिज के टाइम पे आई थी इधर। तो गाइज ये है यहाँ का व्यू, इतनी सुंदर है, बल्कि मैं करसोग में रहती हूँ और आई हूँ यहाँ पे सेकेंड टाइम, और जहाँ मैं जा रही हूँ आज वहाँ मैं आज पहली बार जा रही हूँ, तो वो मैं आपको भी दिखा दूँगी। हम चले हैं मंदिर, थोड़ा सा दर्शन वर्शन करके आते हैं यहाँ पे भगवान जी के। यहाँ पे धूप बहुत अच्छी है आज, तो मतलब तीन चार दिन से इतना गंदा मौसम था मैं कहीं भी ब्लॉगिंग करने नहीं जा पा रही थी, बट मैंने आज तो मैंने सोच लिया कि नहीं आज तो मुझे जो मर्जी हो जाए आज तो आऊँगी। तो गाइस ये है कुछ मंदिर का नज़ारा, तो बहुत ही सुंदर मंदिर है जय नाग धमोनी का। हमने दर्शन कर लिए और टीका भी लगा दिया है, अब हम चलते हैं उस वाली थोड़ी सी ऊंची पहाड़ी नजर आ रही है ना, तो अब हम वहाँ जाते हैं। चलो चलते हैं जरा, फर्स्ट टाइम मैं भी वहाँ पे जाके आती हूँ। गाइस हम निकले हैं पैदल, क्योंकि एक्चुअली पहले हमने सोचा था कि हम गाड़ी लेके जाएंगे ऊपर तक की, तो बस थोड़ा सा ही है कह रहे हैं, तो हम पैदल निकल गए। तो गुन्नू तो आगे भाग गया बहुत तेज, तो अक्षित ने नटखट को उठाया हुआ है और मैं तो चली हूँ, मैं तो खुद ही चलूँ वही काफ़ी है मेरे लिए। तो फेस पे लग रही है धूप, वाओ। अब हम ऊपर पहुँच रहे हैं, करसोग से थोड़ा ऊपर जाके एरिया है पहाड़ी एरिया, वो सारा नज़र आता है, और जो मतलब करसोग की चारों तरफ की पहाड़ियाँ यहाँ से नज़र आती हैं। पे वाटर टैंक भी है, यहाँ पे ना वाटर टैंक है जो ये यहाँ से गाँव के लिए सप्लाई होता है पानी। तो गाइज यहाँ पे हेलीकॉप्टर रुकता है, जब भी हेलीकॉप्टर हमारे करसोग में आता है तो यहाँ पे इस एरिया पे हेलीकॉप्टर रुकता है, और यहाँ से फिर जो भी हेलीकॉप्टर में आते हैं वो बाई कार करसोग आते हैं। भी अभी मैं जिस जगह पे आई हूँ यहाँ पे मेला भी होता है, बहुत ही फेमस मेला है, मतलब काफ़ी देवी देवता इधर आते हैं, सारे लोग आते हैं, बट मैं यहाँ पर कभी भी उस मेले में नहीं आई हूँ। तो मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा मेला होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को। तो गाइज ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है, सीरियसली मैंने जितना सुना था उससे भी कहीं ज़्यादा। यहाँ पे तो पिकनिक बहुत अच्छी होनी थी, बट हम कुछ भी खाने को नहीं लेकर आए। यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं बहुत ही सुंदर, वो आपको नज़र आ रहे होंगे लाइन पे लगे हैं, और क्लाउड्स देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। गाइज बहुत ही अच्छी जगह है, आप आ सकते हो यहाँ पे विद फैमिली। तो अक्षित एंड ऑल पार्टी यहाँ पे फुल इंजॉय कर रहे हैं, गुन्नू एंजल एंड अक्षित सब, नटखट भी फुल, पता नहीं क्या क्या खा रहा है वो, क्या क्या नहीं खा रहा है कुछ बोल नहीं सकती। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ शायद से मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी दिखाई थी, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके ना मेरी मासी का घर है, तो यहाँ पे मैं आई नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला मुझे आने का।
भाई फुल मस्ती मार रहे हम तो इधर। काश खाने वाने को कुछ लेकर आए तो ज्यादा मजा आता है। तो चलो मैं उस वहां पे आगे देख के आती हूँ। तो गाइज मैं देखती हूँ नीचे, तो ये लोग नटखट को देखेंगे आराम से। गाइज बहुत ही सुंदर व्यू है, वाओ ब्यूटीफुल। ऐसे करके क्यों ना दिखाऊं मैं आपको, ऐसे करके बहुत अच्छा कहीं मैं नीचे गिर गई ना तो पंगा हो जाएगा। तो गाइज मैं पहुंचने वाली हूँ आगे 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 आगे। वो ब्यूटीफुल वाओ, ये तो एकदम ना वाओ वाली फीलिंग आ रही है। गाइज ये देखो पीछे जंगल कितना प्यारा नजर आ रहा है ना। कबड्डी देने के देने जा रही है, अब देखते हैं। और कबड्डी बस इसको तो दो मिनट में तुम आउट कर दोगे मुझे लग रहा है। चलो 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 चलो, गुन्ना पकड़ पकड़ यार, तेरे एक हाथ कब आते हैं फिर तुम तीनों और मैं आऊंगी तुम्हारे कबड्डी देने। बस एंजल तो पकड़ नहीं पाएगी, गुन्नू से थोड़ी सी उम्मीद है बट वो भी आउट नहीं कर पाएगा मुझे नहीं लगता। नटखट को तो देखो उधर, आज इसको खुली हवा में शेबी वो भी जा रहा है नीचे। वो ओपी ओ चलो जी, चलो अब शर्मन की बारी है। गुन्ना हमारा जा रहा है कबड्डी खेलने। बस एक आउट, दूसरा आउट। वेल डन शर्मन, वेल डन। तो नटखट भी पूरी कबड्डी खेल रहा है यार, देखो तो उसको। You. I've been feeling nothing
तो गाइस मुझे आउट करके ये तो कुछ ज़्यादा ही खुश हुए, पर इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इन्होंने मुझे आउट कर दिया, मुझे गिरा दिया इन्होंने। तो गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें, एंजल, गुन्नू एंड अक्षित तीनों ही खुश थे। बट इस टाइम ना हम इतने बिजी हो गए थे खेलने में कि हमारा नटखटी गुम हो गया था, वो नीचे तक पहुँच गया था। तो गाइस हम थक गए, इतनी कबड्डी खेली हमने, पर नटखट पता ही नहीं, हम गुम हो, वो गायब हो गए यहाँ से, कि वो गया तो गया था, ओ नीचे पहुंच गया था। थैंक गॉड यार, मैं तो बिल्कुल डर गई थी, शुक्र मानो मिल गया। तो गाइस पता है आपको, वो नीचे पहुंच गया था नटखट, इसको इंजेक्शन लगा हुआ ना, कोई फर्क नहीं है, थोड़ी देर रोया था ये। तो गाइस अब हम थक के हार के एंड अब फोटो शोटो खींच के हम चले घर वापस। तो गाइस मुझे यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मिले हैं, तो ये लोग ना पिच रेडी कर रहे हैं, इधर पिच तैयार कर रहे हैं जो क्रिकेट खेलने के लिए होती है। तो यहाँ पे क्रिकेट की ट्रॉफी होगी है ना, तो कब होगी कुछ पता है? परसों से स्टार्ट है, तो परसों से गाइस यहाँ पे ट्रॉफी स्टार्ट है। अब चले हम वापस, एंजल मत खींच। तो गाइस एंजल के उतरने का स्टाइल तो बड़ा तगड़ा था, उल्टा करके उतरी है वो। अक्षय धक्का मत दे यार प्लीज, गिर जाऊंगी बच्चे मैं। बैठी हूँ गाइस, हम ऊपर से आ रहे थे तो रास्ते दूसरे रास्ते से हम आए हैं, तो यहाँ पे मेरी मासी का घर है तो वहाँ पे बैठ गई, तो जहाँ पे मेरी कज़न की मैरिज हुई थी तो वहाँ पे मैं आ गई हूँ, और मासी को मैंने सरप्राइज दिया। मेरी मासी बेचारे बैठे हुए थे घर पे, इनको सरप्राइज मिल गया मेरा। तो मासी कैसा लगा आपको मेरा आना यहाँ पे? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो गाइस अब हम थोड़ी देर बैठेंगे, चाय वाय पी ली हमने और बिस्किट भी खा ली, अब हम जाएंगे वापस। तो आज अब हम निकलते हैं वापस, क्योंकि लगभग हम थोड़ा सा आग भी सेक गए और थोड़ा बैठ गए, चाय पानी भी कर लिया। चलो तो गाइस अब हम चल पड़े घर को, और नटखट को भी नींद आ गई है, पर मुझे फील नहीं हो रही। नटखट को इंजेक्शन भी लगाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मुझे बहुत तंग करेगा आज, तो ये बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज। और ये और तो और ये गाड़ी में अपनी बास्केट में सोता है, तो बास्केट इसकी आराम से पड़ी है पीछे, बास्केट एंड ब्लैंकेट। और ये बंदा देखो मज़े मार के मेरी गोद में सोया हुआ है, बनी ना बात।
मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, तो ऊपर जली है घर पे आग और मेरे खाजल, मेरी शक्ल की आज बच चुकी है बैंड क्योंकि हवा बहुत तेज थी और हम इतना खेले हैं आज, इतना खेले हैं, मज़ा आ गया यार। नटखट भी बहुत खेला, नटखट भी सीधा सीखने चला गया है, तो मासी के घर भी हुआ है, मतलब पूरा मस्ती कर ली हमने। तो अब मैं देखती हूँ किचन में क्या बनेगा खाना वाना, तो पहले कपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट। तो गाइस ये पहुंच कर ना अपने बिस्तर पे इतने प्यार से सो गया था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा शायद से ये थक गया था। तो गाइस मुझे इसके ऊपर कल तरस भी आ रहा था, देख के मज़ा भी आ रहा था, तो इसने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। बाय।